आगामी 4 सितंबर को महानगर के सांस्कृतिक भवन में भारतीय तैलिक साहू यानी राठौर महासभा नई दिल्ली के दिशा निर्देश पर अमरावती साहू यानी तेली समाज द्वारा चतुर्थ विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहा जाता है जिसमें करीब 700 युवक युवती का सहभाग होने की अपेक्षा है। सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक आयोजित इस परिचय सम्मेलन में तैलिक महासभा के महामंत्री व सांसद संगम लाल जी गुप्ता, कार्यक्रम के उद्घाटक चंद्रशेखर बावनकुड़े, रामदास जी तड़स, सांसद अनिल जी बोंडे, सांसद नवनीत राणा तथा कार्यक्रम अध्यक्ष उमेश जी साहू, प्रमुख अतिथि रहेंगे जगदीश भाव गुप्ता, पूर्व मंत्री प्रवीण भाव पोटे, आमदार रामदास आंबटकर, विधायक रवि राणा, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू व अशोक जी साहू, इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। साथ ही साहू तेली समाज के गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली तर्फे अमरावती साहू समाज परिचय संमेलन समितीच्या माध्यमातून दिनांक 4 सप्टेंबर रविवार रोजी अखिल भारतीय स्तराच्या चतुर्थ परिचय संमेलन आयोजित केलेलं आहे। साहू तेली समाजाच्या अनेक राज्यांचे युवक युवती याच्यात सहभाग घेणार आहे। दुपारी 12 ते 5 पर्यंत हा संमेलन राहणार आहे। या संमेलनाच्या उद्घाटनाला या संमेलनाचे प्रमुख अतिथी खासदार संगमलाल जी गुप्ता, जे आमचे संस्थेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहे, खासदार रामदास जी तळस, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा, चंद्रशेखर जी बावनकुळे आमचे समाजाचे नेते आणि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश, खासदार अनिल जी बोंडे, खासदार नवनीत जी राणा, समाजभूषण जगदीश भाऊ गुप्ता, आमदार प्रवीण जी पोटे, आमचे समाजाचे नेते रामदास जी आंबटकर विधान परिषद सदस्य आणि आमदार रवी जी राणा, हे सर्व प्रमुख लोकांची उपस्थित हा संमेलन पार पडणार आहे। आमच्या परिचय संमेलन समितीसोबत साहू महिला सखी मंची सर्व सदस्य या कार्यक्रमाला लागलेली आहेत। विदर्भ न्यूज के लिए समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।